नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप सामने जो देख रहे हैं ये आवास विकास झांसी का इलाका है और सामने पूरा रोड खुदा पड़ा है, गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं। और ये गड्ढे क्यों हो गए हैं? क्योंकि जो देखो, जो आकर रोड खोदने लगता है और अपनी अपनी पाइप लाने बिछाने लगते हैं ठेकेदार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिला प्रशासन जिलाधिकारी बार बार चेतावनी देते हैं ठेकेदारों को, लेकिन वह है कि पलीता लगा रहे हैं सरकार की नीतियों पर। और जिलाधिकारी के चेतावनी के बाद भी सुधरते नहीं हैं। सबसे बात बड़ी बात यह है कि त्यौहार का समय जब आता है, दीपावली हो या होली हो, कुछ भी त्यौहार हो, तभी ये लोग अपनी जेबीसी मशीन लेके पूरी लेबर लाव लश्कर के साथ आ जाते हैं और खोदना चालू कर देते हैं। बात यहाँ नहीं रुकती है। आप विकास करिए, पाइपलाइन डालिए, खोदिए, सब कुछ करिए, लेकिन आम पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितने गहरे गहरे गड्ढे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, बहन निकलती हैं बच्चों की, और कई बार चोटिल भी हो गए हैं लोग, गिर भी गए हैं। जनता आपके साथ है, विकास करिए, जनता पूर्ण समर्थन करती है, लेकिन उन्हें कोई परेशानी ना हो। जब से आप देख रहे होंगे कई बार इस रोड पर पाइपलाइन बिछ चुकी है और कहीं भी सही तरीके से फिलअप नहीं किया गया है, ऐसे ही ऊंचे नीचे गड्ढे से एपेक्स डाल दिए गए हैं और उसी में चार चांद एक कचरा डालने वाले लगा देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हमारा भारत झांसी साफ सुथरा स्वच्छ है। हम आप गंदगी ना फैलाएं, गंदगी हम आप ही फैलाते हैं, कोई दूसरा आदमी नहीं आता है गंदगी फैलाने के लिए। इसलिए विशेष ध्यान रखें। देख रहे होंगे आप गड्ढों को, देखिए ये स्मार्ट सिटी है झांसी की जो हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे गड्ढा मुक्त हो पाएगी। जो देखो जो आता है लाव लश्कर के साथ मजदूरों को लेकर और खोदना चालू कर देता है। अच्छी बात है, खोदना चाहिए, विकास होना चाहिए, जनता आपके साथ है, वार्ड वाले आपके साथ हैं, लेकिन त्यौहार ही मिलता है आपको खोदने के लिए, बड़े बड़े गड्ढे करने के लिए। लोग साफ सफाई में करते हैं त्यौहार के समय, ये पूरा गंदगी फैला के चले जाते हैं। और अगर आपने पाइपलाइन डाली है, आप देख रहे होंगे डल भी चुकी है, डालने के बाद किस हाल में है। और ये 10 दिन से ऐसा ही पड़ा है, 10 दिन हो गए हैं और ऐसा ही डला है। अगर आपने पाइपलाइन डाली है तो वहीं से शुरू से रोड से इसको फिलअप करते चले आएं अच्छे से, तो क्या दिक्कत हो जाएगी। आपका काम हो गया है, आप इसको सही कर दें। और ये खोद खाद के ऐसे गड्ढे कर कर चले जाते हैं, अच्छी खासी पुलिया को भी तोड़ ताड़ के रख दिया है। 3-4 दिन हो गए हैं ड्रिल मशीन से पूरी सड़क खोद दी गई है बड़े बड़े बर्माओं से, और त्यौहार का समय है, दरवाजे पर सब ऐसा ही डला है। अब ये कब खोदेगा, कब पाइपलाइन बिछेगी, कब फिलअप होगा, ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे यह नज़ारा हम इसलिए दिखा रहे हैं कि लोगों को काफ़ी परेशानी होती है और लोग कहते हैं कि आप लोग जनता की मांग नहीं उठाते। सरकार भी, जिला प्रशासन,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह रखा है कि जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अक्सर देखा गया है जब भी दीपावली या कोई त्यौहार होता है तभी खोदा खादी का काम चालू हो जाता है। थोड़ा और रुक जाते, इसके बाद कर लेते। और आज 8-10 दिन हो गए हैं, 10 दिन में तो पूरी आवास विकास में लाइन भिछ जाती। 10 दिन से ऐसा ही पड़ा है, कुछ कोई सुत लेने वाला नहीं है इसका। अरे आपने लाइन बिछा दी, उसको फिलअप कर दीजिए, जैसा था वैसा कर दीजिए। आप देख सकते हैं पूरे गड्ढे गुड़े छोड़ दिए गए हैं। अब ऐसे अगर सारे झांसी की सड़कें खोद कर चले जाएंगे और लोग नाराज़ होते रहेंगे। नाराज़ तो सरकार से होते हैं, जिला प्रशासन से होते हैं, ठेकेदार ने अपना काम किया और चलते बने। सरकार और जिला प्रशासन जब करार होता है ठेकेदारी का, तो पूरा करार होता है कि जैसा आप रोड खोद रहे हैं उसी प्रकार की तुरंत रोड को सही किया जाए। हम अपील करते हैं कि अगर सरकार के मानक पर खरा नहीं उतरते हैं ठेकेदार, तो उनका पेमेंट नहीं दिया जाए, उनका बिल पास नहीं किया जाए और वहां पर मौजूद पहुंचकर सड़क को चेक करके फिर उनका बिल पास किया जाए। ऐसी हम आशा करते हैं, अपील करते हैं प्रशासन से। जब ऐसा होगा तो अपने आप सुधार हो जाएगा। आप देख रहे होंगे हर जगह ऐसे खोदा खादी चली है, त्यौहार का समय है। हर जगह वही हाल है, आप देख रहे होंगे। अब ये लाइन बिछा दी गई है तो कर्तव्य बनता है कि जैसी खोदी थी उसी प्रकार से फिलअप कर दें। इस तरफ भी कुछ दिन पहले डाली गई थी, आप देख रहे होंगे ऊंचे नीचे अपेक्स बिछा दिए गए हैं। अरे भाई, जनता आपके साथ है और अगर इसी प्रकार के काम करते रहेंगे तो सरकार की छवि पर असर पड़ेगा और लोग नाराज होंगे। त्यौहार का समय ही क्यों मिलता है, सबके दरवाजे आप देख रहे होंगे किस हाल में हो गया है। त्यौहार के समय खुशियां मनाता है आदमी, साफ सफाई करता है, पूरा खुदा पड़ा है। एक और हम आपको सरकार की छवि, जिला प्रशासन की छवि को खराब करने वाला दृश्य दिखाते हैं। पलीता लगा रहे हैं लोग और गलती कॉलोनी वालों की भी है, क्योंकि हमारी झांसी साफ सुथरी स्वच्छ है। हमारे देश में नारा है प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत, इसलिए अपील करते हैं लोगों से कि ऐसा काम मत करें, अपनी झांसी को गंदा मत करें। ये अच्छी बात नहीं है, गाड़ी आती है कचड़े की, घर घर जाती है, उसमें डाल दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले कभी ऐसा नहीं होता था, ये अच्छी कॉलोनी है, आवास विकास की, अच्छे लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि पढ़े लिखे ही ज़्यादा चतुर चालाक होशियार होते हैं, वरना कोई दूसरी कॉलोनी का यहाँ कचरा डालने नहीं आएगा और यहाँ कोई लेबर क्लास का भी नहीं रहता है, ये अच्छी बात नहीं है। हम निवेदन करते हैं हाथ जोड़कर, ऐसा मत करें, सरकार की छवि को धूमिल मत करें। फिर लोग कहते हैं कि वो साफ़ सफाई वाले नहीं आते हैं। अब साफ़ सफाई वाले क्या करें, जब आप पूरी नाली को चौक कर दोगे तो बार बार वो वही करते रहेंगे, तुम कचरा फैलाते रहो। डेंगू फैल रहा है इस समय, बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है और इन्होंने अपनी बिल्डिंग के नीचे दुकानें बना ली हैं, अपने धंधा चमकाने लगे हैं, इन्हें किराया मिलने लगा है,
लेकिन आप देख रहे होंगे यहीं पर गंदगी कर रहे हैं रोड पर, पूरे मच्छर और डेंगू फैल रहे हैं, नाली में पूरा कचरा आप देख रहे होंगे बहा रहे हैं अपने होटल का। इन्हें कोई मतलब नहीं है किसी का कुछ भी हो, आप बस पूरी रोड का नज़ारा देखिए किस प्रकार से। ये 8-10 दिन होने जा रहे हैं इसको, कितने गहरे गहरे गड्ढे हैं। एक और नज़ारा दिखाते हैं बी ब्लॉक का, ये क्या कहेंगे इसको, एजुकेटेड लोग कहेंगे या आगे हम नहीं कह सकते, खुद समझदार हैं। देख रहे होंगे बैन निकलते हुए बच्चों के स्कूल की, सबके दरवाज़ों पर त्यौहार के समय इसी प्रकार का नज़ारा है। हर व्यक्ति विकास के लिए तत्पर तैयार है और प्रधानमंत्री मोदी योगी आदित्यनाथ के पूर्ण समर्थन में रहता है और हमेशा उनकी तारीफ़ करता रहता है और झांसी प्रशासन की तारीफ़ करता रहता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो पलीता लगाते रहते हैं सरकार को, सरकार की छवि धूमिल करते रहते हैं, क्योंकि लोग ऐसा ही डला रहता है कई महीनों, तो नाराज़ तो होते ही हैं। बस आप देखते रहें मार्केट संवाद, मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।